नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करोल बाग विधानसभा में। श्री श्री संत दुर्लभ नाथ महाराज जी का आज नामकरण किया गया, जो कि टैंक रोड बरात घर का। तो आइए मिलते हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बड़ गुज्जर, जिसे हम आज मौके पर मिलेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम रखा है, जैसे आपने समाज के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं और जो आज दुर्लभ महाराज जी का जो नामकरण किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसका? हमने अप्रैल 2021 के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगन बहादुर बड़गुजर की तरफ से एक आवेदन हमने रवि जी को दिया था और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को दिया था। तो ये हमने अप्रैल में 2021 से हम इसकी ट्राई कर रहे हैं। हमने फिर उनको रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर देने के बाद अभी जस्ट हमारी टीम जो है 16 लोगों की प्रतिनिधि थी टीम जो है अभी रवि जी से मिली थी, तो उनको हमने रिमाइंड कराया कि हम इतने टाइम से अपने नामकरण के लिए वो कर रहे हैं, तो कृपया इसको कीजिए। फिर उन्होंने हमारे आवेदन को संज्ञान में लेने के बाद तो उन्होंने फिर हमें हमारे अध्यक्ष जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष जगन बहादुर बड़गुजर जी हैं, उनको उन्होंने किया कि ठीक है, हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और वो जो प्रयास किया है वो आज आपके सामने है। लेकिन आज जो मैंने जो आज का जो प्रोग्राम हुआ, उसके आयोजक हमारे जगन बहादुर बड़गुजर जी, उनको श्रेय जाता है। बाकी सभी संस्थाएँ के लोग आए हैं, उन सभी संस्थाओं का हम आदर करते हैं और सभी का सहयोग से आज का जो प्रोग्राम में कार्यक्रम है वो सफल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो हमारा समाज है या कोई भी समाज है, जाति धर्म से का हम लोग संस्था से जुड़े हैं, हम साथ जाति धर्म को नहीं मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं जो भी मानव है, जितनी मानव सेवा हमारे संस्था से की जाती है, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी बात, हमने आपके नांगलोई के अंदर वार्ड नंबर 49 के अंदर एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमने कम से कम 5-7 लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, उसके बाद हमने सर को, जो राजेंद्र गौतम जी आए थे, इनको भी दिए थे। उसके बाद जब दिल्ली सरकार से हमें जब कोई रिप्लाई नहीं मिला, उसके बाद हमने RTI लगाई। RTI के अंदर हमें जो जवाब मिला है उसके अंदर ये था कि हॉस्पिटल विभाग के अंदर इस नाम से हॉस्पिटल का, जो नांगलोई में जो हॉस्पिटल बन रहा है, उसका हमारे पास कोई नाम नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने रिप्लाई में भी ये दिया कि इसका कोई नाम नहीं है, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग एक्ट, उसके अंदर कोई भी परियोजना बनती है गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर कोई बनाता है, उसके बाद बोर्ड लगाया जाता है कि इस परियोजना में इतना बजट लगेगा, इसका नाम ये है। जैसे मेट्रो ऑलरेडी लगाती है, हमने दिल्ली सरकार को हमने उनको कंप्लेंट की कि आप एक तो नियम का, आप नियम के लिए मानने वाले बनते हैं कि हम बहुत ज़्यादा संविधान को मानने वाले हैं, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं। तो हमने उनको ये कहा कि जब आप जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, उसके बावजूद आप नियम का पालन नहीं करें, बिल्डिंग एक्ट का सरे खुला खुला मतलब मान नहीं रहे। उसके बाद फिर हमने जब उनका ये सारा करने के बाद अब हमने अपील दायर की है और उसको बहुत जल्दी जैसे भी निर्णय आएगा आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू। मैं आज के कार्यक्रम में यही कहूँगा कि आज हमें जो खुशी मिली है बहुत ही अच्छी मिली है। हमारे विशेष रवि जी ने जो दी है, हमारे समाज को जो खुशी दी है, उसके वो धन्यवाद हैं। और सभी कॉलोनियों के प्रधान, हमारे साथी, हमारी चारों पांचों जितनी भी समिति हैं, ज्वालापुरी है, बगौलपुरी है, टैंक रोड की जो समिति है हमारी, आज सब इकट्ठित हुए हैं। सभी ने खटीक समाज की एकता दिखाई है और मैं विशेष रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं संदीप किराड़, खटीक समाजी संस्था, राष्ट्रीय महासचिव। मैं सिर्फ शॉर्टकट में इतना ही कहना चाहता हूँ, जिन जिनका योगदान इस कोशिश में रहा है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे भी टीम वर्क होकर के ऐसे ही काम करते रहें, जो हमारे समाज का नाम आगे बढ़ता रहे। राजू छीरवाल जी, जैसे बरात घर है, इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है कांग्रेस के टाइम में 1986 में हुई थी, जिस टाइम में हमारे आदरणीय बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे और HK कपूर साहब उपराज्यपाल थे, गुरमुख सिंह जी यहाँ के महापौर थे। उस दिन उन्होंने इसकी नींव रखी और नींव रखने के बाद इसका भव्य स्वागत भी हुआ और भव्य उद्घाटन भी किया और काफ़ी अच्छा रहा। पर उस साल के बाद और आज तक उसके बाद इन्होंने किसी भी पार्टी ने इसका सूत्र नहीं ली। और हमने एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठे बैठे, मैं और प्रधान जी, मेरे आदरणीय जंग बहादुर बड़गुजर खटीक समाजी संस्था, जो हम एक डिस्कस कर रहे थे कि अगर
इस मेरा भी एक सपना था कि यहाँ पर मेरे बाबा ध्रुवनाथ जी महाराज जी के नामकरण में कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए मैंने इनसे वार्तालाप किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजू, जैसे आप चाहे वैसे करेंगे, बता क्या करना है। तो मैंने इनको बोला कि भाई एक लेटर लिख के हम आदरणीय माननीय विधायक साहब को देते हैं, क्योंकि आजकल राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे समाज से काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारा इस उस उद्देश्य है कि भाई हमारे बाबा का नाम भी यहाँ हो जाए। तो उन्होंने इस उसको संज्ञान में लिया, और दूसरी बात है हमने उसका लेटर दिया। लेटर देने के बाद कुछ टाइमों बाद ही ये संस्था में जो लेटर हमने दिया था संस्था के माध्यम से, वो लेटर पास हो गया, और उसके बाद इस संत ध्रुवनाथ जी महाराज समुदाय भवन किया गया। पहले इसका टैंक रोड समुदाय भवन नाम था, अब इसका जो नाम संत ध्रुवनाथ समुदाय भवन हो गया है। मैं सभी से समाज से आग्रह करना चाहूँगा और विनती करना चाहूँगा कि ये किसी की महापोती नहीं है, किसी की धरोहर नहीं है, ये समाज का है, और एक नाम है जो किसी न किसी का रखना पड़ता है, तो उसी प्रोटोकॉल से हमने एक नाम रखा है संत ध्रुवनाथ महाराज। और आने वाले समय में हमारे खटीक समाज ही नहीं, अदर समाज भी इसका बहुत लाभ उठाएंगे, और इसका जो आने वाले समय में जो 5100 रुपया है जी, वो जो अभी माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है वो किया है। मैं उसे भी कोशिश करूँगा कि जो विधवा औरत है वो अपनी बेटी की शादी करती है, या कुछ गरीब असहाय मजदूर लोग हैं जो अपने इस 5100 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि उनसे विनती करके कि भाई उससे माफ़ किया जाए गरीबों के लिए, क्योंकि सब एक सार नहीं हो सकते। कुछ लोग हैं जो यहाँ अच्छा कमाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो रिक्शा पटड़ी और उनकी बेटियां हैं, और गरीब वर्ग की बेटियां हैं, जिनकी विधवा बेटियां हैं, विधवाओं की बेटियां हैं, वो हमने किया। और खटीक समाज सेवा समिति से हमने खटीक समाज की जो विधवा औरतें हैं उसका भी हमने 21,000 रुपये पर हेड कर रखा है। जो भी खटीक समाज की विधवा औरत है और अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, तो हम उसको 21,000 रुपये देते हैं, चाहे वो एक हो चाहे 10 हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। देने वाला परमपिता परमेश्वर है। आज हमारे जंग बहादुर जी बड़गुजिया जी 2021 में इस संस्था के माध्यम से मुझे कोष अध्यक्ष बनाया है, खटीक समाज ये संस्था। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरा खटीक समाज के साथ साथ मेरा अदर समाज भी मजबूत हो, विकास हो और सहनशीलता हो। उसके बाद मैं श्रेय देता हूँ मेरे आदरणीय जंग बहादुर बड़गुजा जी को, खटीक समाज के जो प्रधान हैं दिल्ली प्रदेश से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरी बात को माना, और इससे आज समुदाय भवन का भव्य नवनिर्माण करा। हमारे आदरणीय विधायक विशेष रवि जी, माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी का, मैं पूरे खटीक समाज के ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और भविष्य में वो इसी तरह से सामाजिक के तौर पे काम करते रहे, यही मैं उस परम पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ। आपका सेवक राजू छिलवाल, कोष अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश, खटीक समाज की संस्था। दिल्ली के अंदर खटीक समाज, दलित समाज के संत, खटीक समाज के संत नहीं हमारा ध्रुवलनाथ जी, सर्वे समाज के संत श्री ध्रुवलनाथ जी हैं। आज केंद्र सरकार में जो हमारे मंत्री हैं वीरेंद्र ठगेला जी, उन्होंने दिल्ली केंद्र सरकार के अंदर जो संतों का नामांकन हुआ है राष्ट्रीय संतों में, उन्हें श्री महाराज ध्रुवलनाथ जी का नाम आज भीमराव अम्बेडकर जी, रविदास जी, या जितने भी संत हैं 14-15 जो राष्ट्रीय संत हैं उनमें श्री महाराज ध्रुवलनाथ जी की भी उपाधि है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जो हॉस्पिटल ज्वालापुरी में बन रहा है उस हॉस्पिटल का नाम महाराज ध्रुवलनाथ जी ही रखा जाए। देखिए, बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशी का मौका है। आज हमारे समाज के बहुत बड़े संत जो जिनको राष्ट्रीय संत का दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा, उनके नाम से इस सामुदायिक केंद्र का हमने नामकरण किया है, और उनके नाम से यहाँ के इस स्थान का नामकरण होने से हम सबका जो है मान सम्मान बढ़ा है, हमारा गौरव बढ़ा है, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आज के दिन पे सभी समाज को जो है क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि संत ध्रुवलनाथ महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहेगा। संत कबीरदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही साथ ये भी निवेदन करता हूँ, जो धैर्य है उस वक्त लोगों के बीच था, क्योंकि जो क्रांतिकारी बातें जो रियलिस्टिक साइंटिफिक सोच के साथ संत कबीरदास जी ने उस वक्त कह दी, वो भी बातें आज शायद कहना इतना आसान नहीं है। तो मैं सबको उनकी जयंती पर शुभकामनाएं भी देता हूँ, और साथ में निवेदन भी करता हूँ कि उनके बताए मार्गदर्शन पर सब लोग चलें, और अपने क्षेत्र के लोगों को आज इस संत ध्रुवलनाथ जी महाराज के नाम पर इस पूरे कम्युनिटी सेंटर को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, और मैं अपने साथी छोटे भाई विधायक
विशेष रवि जी को भी बधाई दूंगा, यहाँ के सभी साथियों को बधाई दूंगा, यहाँ की पूरी एसोसिएशन को बधाई दूंगा। ये बहुत सुंदर, कितना फ़ायदा होगा यहाँ की पब्लिक? देखिए ये इसमें बहुत अच्छा स्पेस है, हमारे यहाँ जो लोग अपने शादी ब्याह करते हैं, बर्थडे करते हैं और सोशल फंक्शंस करते हैं, उसको करने के लिए उनको काफ़ी अब सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी है और साथ में इसमें बाहर भी अच्छा स्पेस है और बहुत खूबसूरत बना है। मैं अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा और सब लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ। इसका एक और खुशी की बात है, इसका किराया केवल 5100 रुपये है। जो लोग लाखों लाखों रुपए में जाके वो बुक करते हैं बैंक्वेट हॉल, उस हिसाब से भी गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी अपनी, हम गरीब से गरीब लोग भी अपनी बच्ची का विवाह, बच्चे का बर्थडे या कोई भी फंक्शन, सामाजिक फंक्शन यहाँ लोग कर पाएंगे। और इसका देखो सैंक्शन 2.25 करोड़ किया था, 1,10,00,000 में हमारे इंजीनियर से इसको कम्प्लीट किया, तो मैं अपने इंजीनियर्स को भी बधाई देता हूँ और अपने सब साथियों को बधाई देता हूँ।